सो कनाडा में जाने से पहले कौन से डॉक्यूमेंट होने बहुत ही जरूरी है, इस सीरीज की पहली वीडियो कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो कि आपके पास होना ही चाहिए, जो बहुत ही इजीली बन जाता है बट स्टिल उसकी वैल्यू वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वो आपका टाइम, एनर्जी, पैसा बहुत कुछ बचा सकता है। और नो मैटर आप स्टूडेंट वीजे पे जा रहे हैं, वर्क वीजे पे जा रहे हैं या फिर टूरिस्ट वीजे पे जा रहे हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट आप इंडिया से बनवा के जाते हैं तो आपका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट की, जिसको एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। और ये डॉक्यूमेंट ऐसा है कि जो आपने इंडिया में ड्राइव करने का एक्सपीरियंस है तो वो आपको वहाँ पे जाके कैसे वैलिड होगा, ये डॉक्यूमेंट ही वैलिड करेगा। तो क्या होता है ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट, कैसे बनता है, कितने दिनों में बनता है, कितनी फीस है, एजेंट की जरूरत पड़ती है या हम खुद अपने बिहाफ पे भी बना सकते हैं, ये सारी बातें, कौन से डाउट, कौन सी गलतियाँ हो सकती हैं फॉर्म को फिल करते, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखें। मैं अपना खुद का फॉर्म आपके सामने भरूँगा जिससे आपको और भी ज़्यादा छोटी हो जाए, और स्टेप बाय स्टेप की कितना प्रोसेस लगा ये सारा इस वीडियो में देखेंगे। तो आप कनाडा आ रहे हैं, कनाडा में सेटल होना चाहते हैं या डिजायर है, ड्रीम है, कुछ भी है, अगर आपकी थॉट में कनाडा वर्ड आता है तो आपके लिए चैनल ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सारे टिप्स हैं कैसे सेटल डाउन हो सकते हैं, कौन से वे हैं, क्या क्या इमिग्रेशन में अपडेट आती है, क्या गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट जाके यहाँ जो बंदे सेटल डाउन है, सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि कैसे हम इंडिया के सिस्टम से निकल के कनाडा में सिस्टम में स्मूथली सेटल हो सकते हैं। ये सारी टिप्स एंड हैक के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड मेक दैट वीडियो क्लिक लाइक बटन। सो लो जी, हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जिसमें हमने सफारी या गूगल पे सर्च करना है parivahan.gov.in। वेबसाइट ओपन होते ही लेफ्ट में ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है जिसमें हमको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज मिलेंगी, उसको क्लिक करके बाद में अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। जैसे हमने सेलेक्ट कर ली पंजाब, तो बाद में फिर कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विसेज खुल जाएंगी। तो उसमें डिफरेंट टाइप की सर्विसेज हैं कि आपने नेम चेंज कराना, एड्रेस चेंज कराना, कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, तो उसमें हमने सेलेक्ट करना है डीएल एक्सट्रैक्ट। डीएल एक्सट्रैक्ट जब सेलेक्ट करते हैं तो ये विंडो खुलती है जिसमें हमने सबसे पहले फिल आउट करना है अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, वो सारा फिल आउट करके फिर हम भरेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे आई एक्सेप्ट एंड देन गेट डीएल डिटेल्स। उसके बाद हमारी ये विंडो खुलेगी जिसमें हमारे ड्राइविंग लाइसेंस की सारी डिटेल होंगी, नेम से लेके एड्रेस से लेके आपका किस टाइप का ड्राइविंग लाइसेंस है, कब से लेके कब तक वैलिड है, वो सारी डिटेल्स होंगी, आपने एक बार चेक कर लेना है। तो फिर बाद में आपने सेलेक्ट करना है कि ये मेरी डिटेल है कि नहीं, कंफर्म करना है येस करके। देन आफ्टर आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसमें आप जनरल सबके लिए है एक्सेप्ट जो नीचे ब्लू में कैटेगरीज लिखी हुई हैं, अगर उनमें से कोई कैटेगरी है आपकी तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी जनरल। तो उसके बाद हमने लिखना है पिन कोड, अगर हमारा पिन कोड नहीं उठा पा रहा इनका पोर्टल तो हम आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट करके फिर वो डिटेल भर लेंगे। अपना आरपीओ ऑफिस और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद अनदर पेज खुलता है, उसमें भी डिटेल होती है बट हमने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल चेक करनी है। इसमें मोबाइल नंबर अगर नहीं अपडेट तो पहले आप अपडेट कर लें, ईमेल नहीं फिल है तो फिल कर दें। उसके बाद हमने अपनी एम्प्लॉयर कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है, ये चार कैटेगरी में से अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी नॉट एप्लीकेबल। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करके सारी डिटेल एक बार फिर अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद कन्फर्म कर दें। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप विंडो खुलती है जिसमें वो एड्रेस पूछते हैं कि इस एड्रेस पे आपका डीएल डिलीवर होगा, तो ये आप चेक कर लें कि आपका एड्रेस फॉर श्योर ठीक हो। उसको क्लोज करने पे नया जो पेज खुलता है उसमें हमने अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और जनरेट ओटीपी करना है। आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपने अगेन फिल अप करके ऑथेंटिकेट करना है कि मैं ही फॉर्म भर रहा हूँ। इसके बाद विंडो ओपन होती है, उसमें सबसे पहले आपका लाइसेंस नंबर, ऊपर नेम और आरटीओ दफ्तर लिखा होगा, नीचे कौन सी सर्विस आप अवेल करना चाहते हैं वो ऑप्शन है, तो इसमें हमने डीएल एक्सट्रैक्ट की ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। अगली विंडो में हमने ये बताना है कि व्हाट्स द रीज़न फॉर डीएल एक्सट्रैक्ट, तो उसमें आपको कोई भी रीज़न जो आपका सूटेबल है वो आप फिल आउट कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप मिसलेनियस भर के आगे रीज़न लिख दें कि फॉर पर्सनल यूज़। कन्फर्म करने से पहले आप नीचे दी गई सारी डिक्लेरेशन को पढ़ लें, अच्छे से पढ़ने के बाद आप उसमें टिक करें, और अगर आप ऑर्गन नहीं डोनेट करना चाहते तो आप नो में सेलेक्ट करें, मैंने नो सेलेक्ट किया था। उसके बाद आप कैप्चा फिल आउट करके प्रोसीड कर सकते हैं, और इसमें आप ओके सेलेक्ट कर दें,
कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भाई, नहीं डोनेट करने तो नहीं डोनेट करने, वैसे अपनी मर्जी से डोनेट करके जाएंगे खुशी खुशी, नॉट ऑन द एक्सीडेंट। अगली विंडो खुलती है जिसमें वो कंग्रेचुलेट करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन हो गई है सबमिट। देन आफ्टर हमने एप्लीकेशन की रिसिप्ट जो है ना वो हम प्रिंट कर सकते हैं, अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं, तो ऐसी आपकी एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप दिखेगी। इस पे नेक्स्ट करने पे अगला जो पेज खुलता है उसमें एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिकली फिल होगा, डेट ऑफ बर्थ भी फिल होगी, हमने सिर्फ भरना है कैप्चा। कैप्चा भरने के बाद जब प्रोसीड करेंगे तो खुलेगा एप्लीकेशन स्टेटस वाला पेज, इसमें सारी डिटेल होगी हमारी जो जो हम सर्विसेज ले रहे हैं। और जब इस विंडो को नीचे करेंगे तो शो होगा कि हम DL एक्सट्रैक्ट की सर्विसेज ले रहे हैं, तो इसमें जो फीस का स्टेटस है वो अभी होगा कि टू बी डन बाय एप्लीकेंट, तो उसमें हमने सेलेक्ट करना है। तो ये फीस स्ट्रक्चर है, टोटल जो पैसे हैं 95 है, उसमें कुछ पैसे किसके लगते हैं कुछ पैसे किसी के लगते हैं उन्होंने सारा बताया हुआ है। देन हमने पेमेंट ऑप्शन में सेलेक्ट करना है कि हमने किसको पे करना है, तो वो होगा डिपार्टमेंट ऑफ IFMS पंजाब, एक ही ऑप्शन है। और कैप्चा भरेंगे, नीचे हमारी मेल और फोन नंबर पहले से भरा होगा, देन वी विल क्लिक ऑन पे नाउ। अगली विंडो में हमने सारी डिटेल देख के आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड टू द पेमेंट क्लिक कर देना है। उसके बाद ये धरती के जैसे गोल गोल घूमेगा गोला, और ये अगले पेज पे जब डायरेक्ट करता है तो सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिलअप मिलेंगी आपको, तो इसमें हमने बस अपनी तहसील भरनी है, बाकी सारी डिटेल ऑलरेडी फिल्ड अप है, उसको कोई भी चीज़ को टच नहीं करना। देन हमने प्रोसीड कर देना, और ये बाद में पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा कि आपने किस जरिए से पेमेंट करनी है, UPI से करनी है, नेट बैंकिंग से करनी है, आई प्रेफर्ड UPI, तो मैं UPI से पेमेंट करके बाद में आपको विंडो पे ले जाता हूँ। पेमेंट करने के बाद जो अगली विंडो खुलती है उसमें रिमार्क आएगा कि पेमेंट रिसीव हो चुकी है, देन वी विल क्लिक एट द क्लिक हेयर टू प्रिंट रिसिप्ट, जिससे कि आप अपनी रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं। इसमें आपने कॉलम को टिक करना है और कैप्चा फिल आउट करके प्रिंट रिसिप्ट कर देना, फिर आपकी रिसिप्ट ऐसी कुछ दिखेगी, इसमें सारी डिटेल होगी, तो आप इसको प्रिंट करा के अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप ऑफिस जाएंगे अपनी DL एक्सट्रैक्ट को लेने तब आपको प्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको फिर से ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसे पोर्टल में हम दोबारा चेक कर सकते हैं कि हमारे एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। तो हमने दोबारा से अपनी वेबसाइट को खोलना है, फिर से वही अपने ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज में क्लिक करना है, तो उसमें एप्लीकेशन स्टेटस उस कॉलम पे जो कि टॉप राइट पे आपको येलो कलर में दिखेगा उस पे क्लिक करेंगे, तो उसमें अपनी एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल आउट करके ऐसा कुछ पोर्टल में खुल जाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल होगी कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे है और आगे किसके पास किसके डेस्क तक पहुँची है, तो आप उस कंसर्न बंदे से मिलके अपनी फ़ाइल को फर्दर प्रोसेसिंग करा सकते हैं। तो जैसे ये फ़ाइल मैंने 18 को सबमिट की थी, तो मैंने उस कंसर्न बंदे को पवन को जाके मिलके उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे को अर्जेंटली चाहिए, तो मेरा विद इन फ्यू डेज अप्रूव्ड हो गया था। तो मैं उसके बाद का स्टेटस बताता हूँ कि वेबसाइट पे कैसे शो होता है। हमने फिर अगेन वेबसाइट पे वैसे ही लॉगिन करना है, तो हमने एप्लीकेशन स्टेटस में चेक करना है, एप्लीकेशन नंबर फिल आउट करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंड कैप्चा अगेन फिल आउट करके फिर ऐसा अगेन पोर्टल में खुलेगा जिसमें हमारी सारी डिटेल होंगी, कब हमने एप्लीकेशन भरी थी और कब अप्रूव हुई, कब हमें DL एक्सट्रैक्ट मिल गया। तो ये था सारा प्रोसीजर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट बनाने का, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपीरियंस बनाने का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको इस सीरीज में दूसरा डॉक्यूमेंट देखना है जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने एजुकेशन पे पैसा लगाया, जो भी एनर्जी लगाई, टाइम लगाया, उसको वहाँ पे वैलिडेट कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस में कैसे काउंट कर सकते हैं, वहाँ पे जाके कैसे हाई सैलरी जॉब ले सकते हैं अपने प्रोफेशन में, अपने स्ट्रीम, उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, ये इस सीरीज की दूसरी वीडियो जो कि वैल्यू वैल्यूएशन के बारे में है, कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने वैल्यू वैल्यूएशन कराई, कैसे मैंने अपनी टाइम और एनर्जी को बचाते हुए जो कॉमन मिस्टेक है, जो कॉमन एरर मिस्टेक गलतियां करते हैं लोग, उनसे बचा, कौन से डाउट आए, कौन सी कन्फ्यूजन थी, कैसे मैंने अपना फॉर्म खुद भरा स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे भी इस वीडियो में भी आपको प्रैक्टिकली अपना खुद का वैल्यू वैल्यूएशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो को भी जरूर देखें। अगर चैनल में और भी बहुत अच्छा कंटेंट है जरूर आप बहुत हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आई रिपीट अगेन, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। हैव ए गुड डे, गुड लक।